अरे हारून भाई, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। नानी जान आपका पूछ रही थी। मैं उन्हीं के पास गया था, लेकिन वो नमाज पढ़ रही थी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी निमरा से बात हुई? कैसी है वो? वो ठीक है, अपने घर में है। वैसे आप उसके लिए परेशान मत हुआ करें। तुमने पूछा कब आएगी वो? अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो गई है, इतनी जल्दी वापस थोड़ी आ सकती है। अरे हाँ, कुछ दिन पहले तो गई है, इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? कुछ हुआ है हारून भाई? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे नहीं लगता, इस घर में बहुत वीरानी है, खामोशी है। हाँ, सहशे तो बहुत है, लेकिन खुशी नहीं। लगता है आज आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। अभी नानी जहाँ नमाज पढ़ लेंगी तो आप उनके साथ बैठ जाएगा। वो बहुत अच्छी बातें करती हैं, आपका दिल भी बहल जाएगा। अच्छा चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं, एक बात बताओ, निमरा से मिलने उसके घर चलें, तुम लोग की आउटिंग भी हो जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अभी जाके नानी जाना रम्मी से बात करती हूँ। बल्कि आप बात करें, आप बात करेंगे ना वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकेंगे। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? निमरा को किसी और का देखना मेरे लिए मुमकिन होगा? बहुत मजा आएगा। मैं अभी जाके निमरा को बताती हूँ, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल है, क्यों भाई? इसलिए कर मान ही जा रहे। एमन, एमन, तुझे मैंने कहा था ना कि मेरे कमरे में जाके मेरी अलमारी ठीक कर दे, कपड़े फैले हुए समेट दे जाके। बस कर दे अम्मी, अभी छोटे मोटे काम नहीं होते मुझसे, और बहुत काम है मेरे पास। तुझसे होता क्या सिवाय फैशन के, निकम्मी कहीं की। नंबर मांगा था मैंने निमरा से, हारून का, कि बात कर लूंगी उससे। साफ इनकार कर दिया उसने तो, पर ये कहती है मेरी तो कभी उससे बात ही नहीं हुई। तूने झगड़ा किया होगा, तूने उसे सुनाई होंगी बातें, है ना? गुस्सा आ गया था मुझे। अरे यही गुस्सा तुझे ले डूबेगा एक दिन। हर काम का एक तरीका होता है, तू समझती क्यों नहीं इस बात को? क्या करूं अम्मी? देख, तुझे निमरा से दोस्ती करनी होगी, उसके सामने बहुत ही अच्छी और मासूम बनना होगा। हाँ वो तो जैसे मुझे जानती ही नहीं है, उसे तो मेरा पता ही नहीं ना। अरे फिर वही बात, मैं तुझे जो कह रही हूँ ना, तू उस पे अमल कर। तू जा, जाके निमरा से माफी मांग अपने किए की, और उससे अच्छी अच्छी बातें कर, फिर देखना तेरे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। चलें ठीक है अम्मी, आप कहती हैं तो अभी अभी कर लेती हूँ। यार सना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा तुमसे मिलने को दिल नहीं कर रहा। जितना तुम मुझे याद कर रही हो ना, उससे कई ज्यादा मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन क्या करूं यार, कुछ काम है, आ नहीं सकता। फारिस, अब मैं देख रही हूँ तुम बहाने बनाने लग गए हो। सना, तुम मुझ पर शक क्यों करती रहती हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बेवफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानती हूँ मैं ये बात,
बस पता नहीं क्यों कभी कभी परेशान हो जाती हूँ ये सोच के कि वो अभी भी तुम्हारे साथ रहती है। यार उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत एक ही बार तो होती है, ये जज्बा बार बार दिल में नहीं उभरता है, और मैं एक बार ये रस्म मोहब्बत अदा कर चुका हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा निकाह हो चुका है, और ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, और मैं अपनी होने वाली बीवी से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ। दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। क्या समझी थी तुम किससे बात कर रहा हूं मैं? तुम मुझे धोखेबाज और फरेबी इंसान समझती हो? बहुत अफसोस की बात है निमरा, तुमने मुझे समझने में गलती की है। नहीं फारस, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है निमरा, तुमने मेरा दिल दुखाया, मुझे धोखेबाज समझकर मेरी इंसल्ट की। सॉरी फारस, आइंदा मैं आप पे शक नहीं करूंगी, आप मुझसे खफा तो ना हो। दिल पर चोट पड़ी है, कैसे खफा ना हो। आई एम सॉरी, मैं आइंदा शक नहीं करूंगी। वादा करो। वादा करती। चलो तुम भी क्या याद करोगी, माफ किया। वैसे तुम मेरे कमरे की तरफ क्यों आई थी? ऐसे तो तुम मेरे कमरे की तरफ झांकती तक नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है हमारा निकाह हुआ ही नहीं था, वो सब एक ख्वाब था। घर में तो बुजुर्ग हैं, छोटा भाई बहन, मुझे बेतकल्लुफी मुनासिब नहीं लगती। ठीक है भाई, जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें, हम क्या कह सकते हैं। और इसमें कहने आई थी कि चाचा आपको बुला रहे। चाह के अब्बा से कह दो आता हूँ थोड़ी देर में। यार फारिस, आज तो तुम मरते मरते बच्चे हो। वैसे क्या बात है तुम्हारी अकल की, कैसी खूबसूरत बात बनाई है, बेवकूफ बना दिया इस लड़की को। फारिस ने मेरी कॉल क्यों काट दी है? हेलो फारिस, क्यों कॉल काटी थी मेरी? यार गुस्सा क्यों करती हो? अगर कॉल काटी है तो कोई अहम वजह ही होगी ना, मैं भले ऐसी गुस्सा की कर सकता हूँ। क्या वजह थी? यार वो अब्बा ने अचानक छापा मार दिया था, वो तो शुक्र है उस वक्त मैं प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, वरना लेने के देने पड़ जाते। अगर पता लगता है ना तो पता लगने दो, पैसा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता फारिस, तुम प्लीज डरना छोड़ दो। ये देखो, ये काम इतनी आराम से नहीं होते, लिहाज करना पड़ता है। लेकिन फारिस, तुम कब तक डरते रहोगे, तुम क्यों नहीं बोलते? अच्छा चलो छोड़ो ना, किन बातों में लग गई हो तुम भी, आओ हम अपनी बातें करते हैं। क्या बात है बेटा, आज तुम ऑफिस भी नहीं गए, सोकर भी देर से उठे हो, तुम तो जल्दी उठने के आदी हो। रात को देर से सोया था इसलिए आंख नहीं खुली, इसलिए ऑफिस नहीं किया। अल्लाह के फजल से तुम्हारा अपना ऑफिस है, देर सवेर हो जाए तुम तो फिर भी ऑफिस जा सकते हो। क्यों कहूं कि दिल नहीं चाहा? शायद बेटा, जब आंखों में कोई ख्वाब न रहे और आप जिंदगी के फैसलों के बारे में कोई प्लानिंग ना कर सके तो जिंदगी उदास और बेरंग लगने लगती है। फिर ये तरक्की, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत कुछ भी अच्छी नहीं लगती बेटा। जिंदगी ऐसे नहीं कटती, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और कोई फैसला करो। अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ,
और अगर नहीं पसंद है तो फैसला मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी बात पे गौर करो, हम सब तुम्हारी इस वीरान जिंदगी से बहुत परेशान हैं। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की शामिल करना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुमसे मोहब्बत कर सके। मुझे यकीन है बेटा कि आने वाली तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। तुम मासी को भूल जाओगे बेटा और मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगोगे। मुझे भी और बहुत से काम करने हैं। बेटा ये सब कुछ तो जिंदगी के साथ चलता रहता है। शादी तुम्हारे कामों में कोई रुकावट नहीं डालेगी, बल्कि तुम ज्यादा आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकोगे। फिलहाल मुझे भूख लग रही है, वो किचन में होंगे, उन्हें नाश्ते का कह दूं। शादी के नाम से भी दूर भागता है, लेकिन अब इसकी तन्हाई मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे इस सिलसिले में निमरा से बात करनी होगी, वही उसे राजी कर सकती है। कॉल करूंगी निमरा को। फारिस इतना मुखलिस है मेरे साथ, और ये चाची पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी हैं, और जो गलत फहमी इनके दिल में है इसका हर मेरा इजहार भी करती हैं। अगर उन्होंने ऐसी वैसी कोई बात फारिस के बारे में कर दी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। निम्रा क्या कर रही हो तुम बाहर? कमरे में घोटन हो रही थी तो बाहर आ गई। खुशकिस्मती से तो आज फारिस भाई घर पर हैं और तुम बाहर अपनी घुटन दूर करने के लिए वॉक कर रही हो। निम्रा हमें चाहिए हम कहीं बाहर जाएं घूमने फिरने, क्या कहती हैं भाभी जान? फारिस को चाचा ने बुलाया था, शायद उनका कोई काम था। और तुम्हें क्या लगता है ये सारे काम एक दिन बस खत्म हो जाएंगे? अपना हक लेना सीखो निम्रा, और ऐसे ना देखो मुझे, एतबार करो मुझ पे, बल्कि अपना दोस्त बना लो, बहुत काम आऊंगी तुम्हारे। मैं और तुम दोस्त ही हैं, और हम बहनें भी हैं, और नंद और भाभी भी हैं। लेकिन मैं जरा मूडी सी हूं ना, बदतमीजी कर जाती हूँ कभी कभी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आइंदा मेरी तरफ से ऐसा कुछ ना। अच्छी बात है, बल्कि मैं अम्मी से भी कहूंगी। औरी कितने दिनों बाद चक्कर लगाया बेटे? हाँ तो और क्या, हमेशा हवा के घोड़े पे सवार होकर आती हो। रुक जाए ना, बहुत सारी बातें करेंगे। रुक जाती, लेकिन वो दरअसल मैं इजहार से इजाजत लेकर नहीं आई हूँ। अब अगली दफा आऊंगी तो एक दो रोज रुकने की इजाजत लेकर आऊंगी। ये क्या बात हुई भला, अब अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है नौरीन, शादीशुदा जिंदगी के मसले तुम नहीं समझोगी बेटा। और नौरीन अगली दफा आना तो इजहार से पूछ कर आना, और काफी दिन रहना यहाँ पे, हम लोग बहुत याद करते हैं तुम्हें। अच्छा नानी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि मैं आज आई ही इसीलिए हूँ। कहो बेटा। आप तो जानती हैं मेरा ससुराल माशाल्लाह से कितना बड़ा है और सभी लोग कितने अच्छे हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं, सब लोग बहुत सुलझे हुए और शरीफ लोग हैं। अम्मी बहुत से लोग अब हारून भाई की शादी के हवाले से बात करते हैं, अब बेटियों के वालदैन ये बातें पूछें तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है। हाँ वाकई बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। अम्मा क्या कहती हैं आप, यकीनन उनकी लड़कियां भी ऐसी ही शरीफ और सुलझी हुई होंगी। हारून भाई की शादी होगी तो कितना मजा आएगा ना, मैं तो बहुत रौनक लगाऊंगी, नी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। अम्मा आप क्या सोच रही हैं?
बेटा अब अगर तुम्हारे खानदान में कोई हारून की शादी के बारे में बात करे तो कह देना कि ये सारे फैसले का अख्तियार नानी के हाथ में है, और उनको ये भी समझा देना कि जहां हम एक रिश्ता करते हैं ना तो दूसरा रिश्ता उस खानदान में नहीं करते। अरे ये क्या बात हुई नानी जान? बेटा तुम नहीं समझोगी इन बातों को, ये बुजुर्गों के तजुर्बात की बात है जो कभी गलत साबित नहीं हुए। बस फिर तुम्हारे खानदान से कोई लड़की तो नहीं ली जा सकती। अच्छा चले अम्मा, ना करें नौरीन के ससुराल में शादी, पर कहीं तो कर दें हारून की शादी। अब तो सच में मैं भी बहुत बेताब हूँ उसके सर पे सेहरा देखने के लिए। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, वक्त आएगा तो उसका रिश्ता भी तय हो जाएगा। सलाह करे वो वक्त जल्दी आ जाए। अरे भाई नौमी और फरीन, नौरीन इतने दिनों के बाद आई, उससे पूछो वो क्या खाएगी, जो खाए वो ऑर्डर करो। भाई अब्बा आपने जो भी बात करनी है जरा जल्दी करें, लेट हो रहा हूँ मैं, जाना है मुझे जरूरी काम से। और तो रहने दे, तो इतना मसरूफ आदमी, तेरी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं या गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो जैसा आप फारिग आदमी तो मैंने जिंदगी में देखा ही कोई नहीं। आप बोले आपको जो बात करनी है सुन रहा हूँ मैं। ओ भाई पैसे चाहिए मुझे। क्या मतलब पैसे चाहिए? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको घर के खर्चे के लिए रकम दी है, और अम्मी और एमन भी शॉपिंग के नाम पर फजूल में इतने पैसे ले चुकी हैं मुझसे, मजीद रकम क्यों चाहिए भाई? क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने और एमन ने तुझसे पैसे लिए, तेरा दिमाग तो सही है? ये जो तेरा दिमाग अर्श पे पहुंचा हुआ है ना, इसे फर्श पे ले आ, वरना मुझे जलाल आके ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू छोटा है या बड़ा, तेरी बीवी के सामने जूता उठा के मारूंगी। क्या हो गया आपको, आप फालतू में इतना गुस्सा करने लग जाते। ओए 10 लाख रुपया दे मुझे। 10 लाख? हाँ। नींद में तो नहीं है आप कहीं? नींद में ये नहीं, नींद में तू बैठा है, तू भूल गया कि तू किसके सामने बैठा है। अगर ये तुझसे 10 लाख तो क्या 10 करोड़ भी मांगे ना तो तुझे अपने बाप को देने होंगे, ये तेरा फर्ज है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने निमरा से पैसे लिए और अब मुझसे मांग रहे हैं, नहीं पता भी तो चले ना कि आखिर करने क्या वाले। अंधा है तू, घर की मुरम्मत के लिए पैसे चाहिए, हालत खराब है इसकी। क्या हुआ है घर को, ठीक तो है? और तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? ओफो मेरा ये मतलब नहीं है भाई, देखें ये मकान है निमरा का, तो मुझे और निमरा को जब मुनासिब लगेगा तो हम मुरम्मत खुद करवा लेंगे, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो तामीर भी खुद करवा लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है। तेरी तो बच्चू अकड़ निकालूंगा मैं, बेगैरत कहीं का, तेरा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तू याद करेगा सारी जिंदगी। इमला मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। क्या मतलब, मैंने क्या किया? भाई अम्मा अब्बा तुमसे जितने पैसे मांगते जाएंगे तुम लुटाती जाओगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, खुल के बात करो। देखो निमरा, पैसे ना दरख्त पर नहीं लगता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है, सारा सारा दिन तुम घर पे बैठी रहती हो। मेहनत तो मैं करता हूँ ना, सुबह शाम जाता हूँ, ख्वार होकर वापस आता हूँ, तुम्हें क्या अंदाजा कितना थक जाता हूँ मैं, थकन से क्या हालत हो जाती है मेरी। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ओफो निमरा ये गैर वाली बातें क्यों कर रही हो? देखो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब्बा को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुमसे मजीद रकम भी मांगते ना कोई जरूरत नहीं है, साफ इनकार कर देना, वो घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। लेकिन फारिस फिर मैं क्या करूं, मैं चाचा को कैसे मना कर सकती हूँ, बुरा लगेगा। इसका एक ही हल है, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे ना वो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैं आ जाऊं? एमन बीवी तुम्हें भी बेवक्त एंट्री देने की बीमारी है, आ जाओ, तुम्हें कोई रोक सकता है अब? निमरा मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। क्या गलत वक्त पर आ गई हूँ, कोई जरूरी बात तो नहीं कर रहे थे तुम लोग? निमरा क्या हुआ है, परेशान लग रही हो तुम,
नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। क्या हुआ, कुछ कहने आई थी? हाँ, मैं कह रही थी कि मौसम कितना अच्छा है आज, बाजार चलें? बाजार क्यों? निम्रा, क्यों जाते हैं बाजार शॉपिंग करने? क्या हो गया तुम्हें? मेरे तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें भी शौक था शॉपिंग करने का। मैं सोच रही थी कि मैं किचन में जाकर एक नई रेसिपी ट्राई करूं। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, किचन में भी जाया जा सकता है, मैं भी चलती हूँ। हेमन, ये तुम हो, तुम तो किचन के कामों से भागती थी। बस वो नादानी के दिन थे निम्रा, मैं भी जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ किचन में। चलो चलते हैं। हाँ, बस मैं आ रही हूँ। तुम्हें शीशे में उतारने के लिए वो सारे फजूल काम करने पड़ रहे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल मैं जाऊँगा। इसे तुम्हारे वालिदैन इस उम्र में इतना लालच क्यों कर रहे हैं फारिस? मुझे तो लगता है उनको तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। कहीं तुम उनके सौतेले बेटे तो नहीं हो? अरे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या। लालच ने अंधा कर दिया उन्हें। मेरी तो बस यही दुआ है फारिस, अल्लाह उन्हें जल्दी राह रास्त पे ले आए। ठीक कह रही हो तुम, मैंने तो साफ साफ निम्रा से कह दिया कि जितने भी अकाउंट में पैसे है ना, वो सब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्या? तो वो मान जाएगी? अरे, उसे मानना पड़ेगा। तो बस फिर फारिस, उस पे तब तक दबाव डालते रहो जब तक वो मान नहीं जाती। वैसे पैसे कितने होंगे अंदाजन? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है अभी। अच्छा, लो अम्मी भी आ गई है, अम्मी से बात करो। पता है तुम्हें कितने दिनों से याद कर रही है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। हाँ हाँ, कराओ बात। और हाँ, ये पैसे ट्रांसफर करने वाला काम जरा जल्दी करो। ये लो बात कर। हेलो। हाँ फारिस, क्या मसला है, बात क्या है, मुझे भी तो पता चले। ये सना क्यों परेशान है? नजीरा, तुम्हारी बेटे की तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का निम्रा बीबी, आपके दिए हुए पैसों से मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी और अब तो उसका बुखार भी उतर गया है। निम्रा, कितनी आवाजें दी हैं तुम्हें मैंने, कान बंद करके खड़ी हो क्या? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त आए, बहुत अच्छे से एहतमाम के साथ चाय बनाकर भेजो। ठीक है। निम्रा बीबी, यहाँ हर एक पे आपको हुक्म चलाना चाहिए, उल्टा हर कोई आपको ही दबाने की कोशिश में लगा रहता है। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, सिर्फ आपकी हमदर्दी के लिए कह रही हूँ। हाँ बोलो। ये जो फारिस बाबा है ना, इनका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है। मेरे घर वालों ने खुद देखा है इनको गलत आदमियों के साथ होटलों पर ढाबों पर उठते बैठते। निम्रा बीबी, आप इनको किसी भी तरह समझा लें, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और एक बात और बताऊं आपको, उनके जो दोस्त है ना, जो आ रही हैं, और ऐसी सोबत में रहने वाला ना, उसी रंग में रंग जाता है। एक दिन अपना सब कुछ बेच बाज के ख़त्म कर देता है। अब आप देख लें। नसीरा, चाय बनाकर भिजवा देना। मैं सोच भी नहीं सकती थी फारिस ऐसे लोगों की कंपनी में उठता बैठता होगा। नजीरा का अंदाज बता रहा था वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन मैं ये बात किससे कहूँ? अगर मैंने चाचा से जिक्र किया तो फारिस बहुत खफा होगा। उफ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अनिल और खाला से बात करती हूँ।
शायद वो कुछ अच्छा मशवरा दे सके। समझ से बाहर है मेरी तो। अरे तुम दोनों कहाँ रहती हो, थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दिया करो। हम दोनों को अपनी बातों से फुर्सत मिले तो हम किसी को टाइम देना। इतने खूबसूरत कपड़े क्यों निकाले बैठी हैं? क्या सिलवाने के इरादे हैं? तुम दोनों के लिए निकलवाए हैं, जिसको जो जोड़ा पसंद है वो अपने लिए सिलवा ले। रुके जरा अम्मी, क्या कह रही हैं ये आप? ये सारे जोड़े आपने मेरे जहेज के लिए रखे हुए थे, कहीं मेरी शादी का इरादा कैंसिल तो नहीं कर रही आप? अरे भाई, मैं तुम्हारी शादी का इरादा क्यों कैंसिल करूंगी, बस जहेज में ये कपड़े देने का इरादा कैंसिल किया है। अरे उन लोगों का इतना ऊंचा मयार है, अब तुम्हें जो जहेज दूंगी वो मैं हारून की पोजीशन देख के ही दूंगी ना। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि भाई उनकी बहू किसी से कम नहीं है, क्यों निम्रा? वो तो है, यानी शादी की सारी शॉपिंग हम सिफर स्टार्ट करेंगे, सब कुछ नया आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, शॉपिंग पे चलना चाहिए हमें निम्रा, क्या कहती हो? अरे पहले रिश्ता तो पक्का हो जाए, फिर हम सब जाएंगे शॉपिंग करने, क्यों निम्रा? मैं किचन में देख कर आती हूँ, पता नहीं नजीरा ने खाना बनाना शुरू किया या नहीं। हैं? किसी बात का जवाब नहीं देकर गए वो अम्मी। ना दे जवाब, बस समझो काम तो हो गया। तो ये कपड़े सारे मैं अभी सिलवा लूं? हाँ हाँ सिलवा लो, एक दो जोड़े निम्रा के भी सिलवा लेना, खुश हो जाएगी। देती हूँ निम्रा को जोड़े। मेरी दोस्त के घर पे मिलाद है, उसने नया घर बनवाया है, ये वाला तो मैं उस पर पहनूंगी। और मेरी सालगिरह भी तो आ रही है, दो तीन जोड़े तो मैं सिलवा लूंगी ना उस पर। उफ, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें, इन्हें कहीं से भी हार उनके काबिल नहीं है, ये बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता है। अगर इन्हें नानी जान, आंटी अजरा और हारून को पसंद होती तो वो खुद उसका नाम ले लेते। इतने दिन उनके घर में रहकर आई है लेकिन किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, वो उन्हें मुतासर नहीं कर पाए। अब अगर मैं उसका नाम लूंगी तो ये उन मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ ज्यादती होगी और मेरी खुद वर्जी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूँ? क्या मैं सिलसिले में फारिस से बात करूं? हाँ, मुझे फारिस से ही बात करनी होगी, लेकिन क्या वो मेरी बात को समझ सकेगा? क्या फारिस में इतनी सूझबूझ है? यार ये भी कोई बैठने की जगह है, तुम लोग कहाँ कहाँ ले आते हो? चाय पीनी थी ना तो मुझे कहते, ऐसी जगह पर ले जाकर चाय पिलाता कि याद ही करते। यार यहाँ की चाय भी बहुत कड़क और जायकेदार है, तो एक बार पीकर तो देख, और वैसे भी तुझे तो आज किसी से मिलवाना है, इसीलिए तो यहाँ लेकर आए हैं। किससे मिलवाना? मैं यहाँ ज्यादा देर बैठने वाला नहीं हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट डील के सिलसिले में जाना भी है। डील के सिलसिले में? इसका मतलब है बहुत पैसे आ गए मेरे जिगर के पास। तुम्हारे जिगर के पास पैसे कब नहीं होते ये बताओ। तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ चाय पीते हैं और उसके बाद जानी की बैठक पे चलते हैं, वहाँ जाके शुगल मस्ती लगाएंगे। अबे यार तुम लोग भी ना। अच्छा बस बस अब तय हो गया। हाँ लाला, तीन कट। तीन कट? गरीब का ना गरीब ही रहेगा तू, बाइक पे घूम रहा है ना आज के लिए, देख गाड़ी पे आया हूँ, पैसा ही पैसा है मेरे पास, समझ आई? तुम लोग गरीब के गरीब ही रहना जिंदगी में। फारिस, मुझे आपसे बात करनी। अरे आइए जी आइए, ये घर भी आपका, ये बंदा भी आपका, उस बंदे का दिल भी आपका, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? क्या बात है, बड़ी सीरियस दिखाई दे रही हो। फारिस मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आपकी हर बात हमारे लिए बहुत अहम होती है, फरमाइए क्या कहना है।
चची और एमन। देखो निम्रा, अगर तुम अम्मी और एमन की शिकायत लेकर आई हो ना, तो प्लीज बात को यहीं खत्म कर दो। मैं ये घरेलू मसाइल में पढ़कर अपने टाइम वेस्ट करने के हक में नहीं हूँ। अरे और भी 100 झमेले हैं मेरी जिंदगी के साथ। फारिस मेरी बात तो सुन ले। मेरी खाला की कॉल है। खाला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। गधे कहाँ थे तुम? तुम्हें एहसास है हमारी तुमसे कितने दिनों से बात नहीं हुई है? हम परेशान हो जाते हैं बेटा, तुमसे कितना प्यार करते हैं हम लोग। तुम जाओ यहाँ से और प्लीज अपने ना ये घरेलू मामला खुद ही हल किया करो। कौन है, किससे बात कर रहे हो? निम्रा है खाला, अम्मी और एमन की शिकायत लेकर आई है। अभी शादी नहीं हुई तो उसको मसले मसाइल शुरू हो गए। अरे मेरी बहन और मासूम एमन, हाय मेरी बेचारी बहन। खाला आपको कितनी मोहब्बत है ना अपनी बहन से, लेकिन वो तो आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं उसे राजी कर लूंगी और अपने खुलूस और मोहब्बत से एमन का दिल और शाइस्ता का दिल जीत लूंगी, तुम देखना। रहने दे खाला, इस मामले में आपको हमेशा मायूसी ही मिलेगी। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हम लोग बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बस प्रोग्राम बना ही रहे। अरे मेरे लिए तो वाकई ही खुशखबरी है खाला, लेकिन मेरे घर वालों का जो रवैया आपके साथ होता है ना, यकीन करें बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हारे घर वाली हूँ, तुम हमारे घर वाले। तुम इन लोगों की बातों की टेंशन लेना छोड़ दो, वो मेरा मसला मैं खुद देख लूंगी। मैं बस आ रही हूँ, बहुत जल्द आ रही हूँ तुम्हारी तरफ सना के साथ। जी खाला ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैंने सोचा था फारिस को एतमाद में लूंगी, उससे कहूंगी चची और ईमन को समझाए वो हारून के ख्वाब देखने छोड़ दे। हारून और मेरी नानी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगी। मैं बात करके खामखा वक्त गंवाना नहीं चाहती, लेकिन फारिस ने तो मेरी बात सुनने की जहमत भी नहीं की, अब क्या करूं? क्या सोच रही निम्रा बाजी? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हैं आप, कोई मसला है, कोई परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगे? तो मैं क्या बताऊं मेरे भाई, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि यहाँ कोई मुझे समझता ही नहीं है, अपनों के दरमियान में अकेली हूँ। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मैं हूं ना आपके साथ और हमेशा आपका साथ दूंगा। काश तुम थोड़े बड़े होते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस 2-4 साल ही तो है, फिर देखिएगा कितना हैंडसम और जवान हो जाऊंगा। निम्रा बाजी क्या सोच रही है? मैं तुम्हें याद कर रही थी, अगर तुम ना आती ना तो मैं तुम्हारे घर जरूर आती। अनीता तुम्हारा जब भी दिल चाहा करे ना आ जाया करो। तुम्हें तो पता है तुम्हारी चची के रवैये की वजह से ना मैं रुक जाती हूँ, उन्हें मेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही कह रही हो, लेकिन अनीता हम बचपन के दोस्त हैं, अगर उनको इस चीज़ से मसला है इसका ये नहीं मतलब है कि तुम मुझसे आकर नहीं मिलो या मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँ मिलने। अनीता तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेफिक्र रहो, तुम्हारे ससुराल के रवैये को देख के ना हम तुम्हारा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले। खाला कहाँ हैं? अम्मी तो बाजार गई हुई हैं, मेरे लिए कुछ कपड़े लाने थे। तुम्हें पता है मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और अब मैं टीचिंग करने वाली हूँ। तुम्हें तो पता है शादी की डेट अभी दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना तालीम को काम पे लगाया जाए और आने वाली नस्लों में इल्म मुंतकिल किया जाए, तभी मैंने जॉब शुरू कर दी है।
अनिला, मैं यहाँ एक्चुअली आई थी क्योंकि मुझे एक मशवरा चाहिए था। हाँ बोलो। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काम करना शुरू कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। मुझे लगता है तुम्हारे चचा और फारिस को तो कोई इतराज भी नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल खुद करनी चाहिए। फारिस के ऊपर ये सब काम नहीं डालना चाहिए, खुद भी कुछ काम करना चाहिए। अरे पगली, सोच क्यों रही हो, बस अमल फौरन से कर डालो। फारिस हर वक्त कहते हैं कि वो इतने बिजी हैं, इतने थक गए, सोचा कि मैं भी उनकी हेल्प कर लूं। चाचा कब आएंगे, मुझे उनसे मशवरा करना। अब्बा तो किसी काम से बाहर गए हैं, उनको टाइम लगेगा। एक काम क्यों नहीं करती तुम, अब्बा को कॉल कर लो। सही कह रही है।